हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि MCA V3 पोर्टल में आप DSC को एसोसिएट कैसे करेंगे। तो अगर आपको MCA V3 पोर्टल में DSC को एसोसिएट करना है, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो काम आपका रहेगा वो DSC को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी कि USB टोकन को इंसर्ट करना होगा। उसके बाद आपको MCA में लॉगिन कर लेना है। तो आप जैसे ही इस MCA में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि MCA सर्विस करके एक ऑप्शन है, उसके अंदर FO सर्विस करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जब आप FO सर्विस पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एक आपको एसोसिएट DSC करके भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो क्या करना है कि वो एसोसिएट DSC पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप एसोसिएट DSC पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप नीचे में देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन करके एसोसिएट DSC एक रिफ्लेक्ट हुआ है। उसके अंदर आपके पास तीन ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन में क्या है कि EM साइनर को आपको डाउनलोड करना है, अगर आपके पास नहीं है। डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या है कि उसको रन जरूर करवाना है, ठीक है। तो आपको क्या है कि बैकग्राउंड में उसको रन भी करवा देना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि EM ब्रिज, आपके पास अगर EM ब्रिज नहीं है तो आपको उसको क्लिक करके डाउनलोड करवा करके उसको रन करवा देना है, ठीक है। जब ये दोनों ड्राइवर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, तो तीसरे स्टेप होता है कि आपको जो आपने USB टोकन, जो डिजिटल सिग्नेचर का, जो ई पास या फिर प्रॉक्स की का है, उसको सिंपली लैपटॉप में या फिर सिस्टम में आपको इंसर्ट करना होता है। तो आप जब इंसर्ट करेंगे उसमें, जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो टोकन इंसर्ट करने के बाद जो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो DSC एसोसिएट करने का हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एसोसिएट DSC का, उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ तीन ऑप्शन निकल करके आते हैं जो कि DSC से रिलेटेड है, यानी कि वो टोकन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले टोकन पे जो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही सेलेक्ट उस पर करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उसमें देखिए वो प्रॉक्स की करके एक हमारा ऑप्शन आया है, जो चूंकि हमारा प्रॉक्स की का USB टोकन है तो उस पर हम लोगों को क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जैसे ही टाइप करेंगे तो वहाँ पे जो एप्लीकेंट है उनका नाम आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में आपको पासवर्ड डाल देना है। तो हमारा जो पासवर्ड था हमारा टोकन का, वो मैंने इस पर डाल दिया है। और पासवर्ड डालने के बाद क्या करना है कि आपको सिंपली रजिस्टर जो राइट हैंड साइड में है उस पर क्लिक करके, और आप देखिए मेरा DSC एसोसिएट हो गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।